स्वागत है आप लोग का न्यूज अपडे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेकर। दोस्तों चार मैच की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने दूसरा T20 अपने नाम किया है। भारत पहला T20 अपने नाम किया था भारत ने, और एक एक से बराबर हुआ है सीरीज। अभी सीरीज के और दो मैच बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, स्कोर बोर्ड से लेकर किसने क्या किया मैच में तमाम जानकारी लेके आया हूँ। बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीता दूसरा T20। आखिर में 3 ओवर में 37 रन बना डाले। हालांकि भारत एक समय लग रहा था कि यह मैच जीत जाएगा। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, सीरीज 1-1 से बराबर। साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 में भारत को 3 विकेट से हरा दिया। 125 रन के टारगेट के सामने टीम एक समय 88 रन पर 7 विकेट साउथ अफ्रीका ने गवा दिए थे। यहीं पर लग रहा था कि भारत यह मैच जीत जाएगा। हालांकि यह मैच भारत के जबड़े से निकाल दिया साउथ अफ्रीका ने। यहां से दोस्तों साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 20 गेंदों पर 42 रन बना डाले और पार्टनरशिप उन्होंने अच्छी खासी कर दी। और उसके बाद उन्होंने 4 मैच की T20 सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। दोस्तों बात करें अगर स्कोर बोर्ड की, तो अगर आप देख सकते हैं कि 124 रन भारत ने बनाए 6 विकेट पर, वहीं साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 19 ओवर में 128 रन। स्कोरबोर्ड की बात करें तो संजू सैमसन 0 रन पे आउट हुए, कुछ खास नहीं कर पाए। लगातार 2 मैच में शतक बनाने के बाद संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हुए। अभिषेक शर्मा का फॉर्म लगातार खराब चल रहा है, वो 4 रन बना सके। सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए, 4 रन बनाए। तिलक वर्मा 20 रन बनाए 20 बॉल पर, उनके पास अच्छा स्टार्ट मिला था, अच्छा मौका था, उन्होंने गवाया इस मौके को और 20 बॉल में 20 रन बनाए। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 21 बॉल पर 27 रन बनाए और गलत एक तरीके से बैड लक हुए, वो नॉट आउट हो गए, रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या नॉट आउट, 39 रन की पारी उन्होंने खेली 45 गेंदों पर, जो काफ़ी धीमा रहा, पर हार्दिक पांड्या आखिर तक खेलते रहे और जूझते रहे, 124 रन तक उन्होंने पहुँचाया टीम को। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों भारतीय टीम जब बॉलिंग करने आई तो सबसे ज़्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती ने अपने नाम किया, 5 विकेट, और अर्शदीप को भी 1 विकेट मिला। हालांकि अर्शदीप काफ़ी महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 मैच में 4 ओवर में 41 रन दे डाले। वहीं अगर बात करें तो रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिला और यही विकेट गिरा उनका, 7 विकेट, 7 विकेट पर उन्होंने चेस कर डाला। तो आने वाले 2 T20 में अब इंडिया क्या करती है उसके बारे में भी लेके आते रहूँगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तमाम वीडियो के लिए जुड़िए इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट बिजनेस पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।